नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। राज ठाकरे के अयोध्या आगमन से पहले देखा जा रहा है कि वहां पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां अयोध्या से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, अब इसी क्रम में उन्होंने मुसलमान समुदाय के समर्थन का भी यहाँ पर साथ मांगने के लिए वो गए थे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि उन्हें अंसारी यानी कि इकबाल अंसारी का साथ मिल रहा है। एक तरफ जहां राज ठाकरे अपनी अयोध्या आगमन की बात कर रहे हैं, 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ अब इकबाल अंसारी भी देखने को मिल रहा है कि बृजभूषण सिंह के साथ खड़े हैं। यहां पर इकबाल अंसारी का एक बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि एक तरफ जहां मुख्य द्वार पर बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह अपने साधु संतों समर्थनों के साथ मिलकर राज ठाकरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी द्वार से वो बॉर्डर पर जो है राज ठाकरे को रोकेंगे अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर। तो देखने को मिल रहा है कि साधु संत और मुस्लिम जो है कंधे से कंधा मिलाकर अब राज ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जुट चुके हैं और किसी भी तरह वो राज ठाकरे को अयोध्या आने से रोकना चाहते हैं। और यहां पर देखने को मिल रहा है कि उनकी मांग साफ तौर पर सामने आई है। जिस तरह से बृजभूषण सिंह लगातार राज ठाकरे से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जब तक वो उत्तर भारतीय लोगों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो अयोध्या के दर्शन नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने एक और बात कही है, उनका कहना है कि अगर उन्हें माफी मांगने में शर्म आ रही है तो वो साधु संतों से ही माफी मांग ले, उसके बाद जो है वो अयोध्या आ सकते हैं। और आज इकबाल अंसारी का जिस तरह से बयान आया है, उनका भी यही कहना है कि वो सीमा के अंदर घुसने नहीं देंगे ठाकरे को जब तक ठाकरे जो है माफी नहीं मांगते। और जिस तरह से मुसलमानों का समर्थन यहां पर देखने को मिल रहा है, अंसारी को मिल रहा है, यहां पर आगे चलकर यूपी में बवाल मच सकता है क्योंकि अब हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर जो है राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं। अब मुसलमानों ने भी एक तरह से देखा जाए तो राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे को लगातार फोन पर धमकी भी मिल रही है जान से मारने की। इसी बीच राज ठाकरे के ऊपर जो है जान का खतरा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से इकबाल अंसारी ने भी धमकी दी है कि वो राज ठाकरे को यूपी में घुसने नहीं देंगे, अब देखना दिलचस्प होगा कि राज ठाकरे की प्रतिक्रिया इस पर क्या आती है। फिलहाल अभी देखा जा रहा है कि एमएनएस पूरी तरह से तैयारी कर रही है इस यात्रा के लिए। आपको बता दें कि 11 ट्रेनें जो है महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से बुक हो चुकी है ताकि एमएनएस के कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे। यहां राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या दर्शन करने वाले, लेकिन इससे पहले ही देखा जा रहा है कि एमएनएस के कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच जाएंगे। वही दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह भी देखने को मिल रहा है कि अपने सारे कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लेकर इस यहां पर आगमन का विरोध करने में जुटे हुए हैं। अब आने वाले दिनों में तस्वीरें और साफ हो जाएंगी कि क्या राज ठाकरे माफी मांगेंगे या फिर अयोध्या आने से पहले ही जिस तरह से बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है, अब योगी सरकार इस पर अपना क्या फैसला सुनाती है, क्या प्रतिक्रिया देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।